उपस्थिति का लोहा माना जाता है, बशर्ते कुछ चीजें और ठीक हो जाए। चार प्रकार के सन, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, करप्शन, ये तीन नियंत्रित बने और डिसिप्लिन अगर आ जाए, इस देश की संस्कृति का कोई मुकाबला नहीं। ये भारत देश पुनः विश्व गुरु का जो है खिताब हासिल कर सकता है। बंधु और बहनों, हमारी तीन प्रकार की चेतना है, स्वार्थ की, परार्थ की और परमार्थ की चेतना। हेल्दी सोसाइटी के लिए हमारे महान धर्म और ग्रंथों के अंदर अगर आप उपनिषद को पढ़े, उसमें कहा गया अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। भारतीय दर्शन में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय धर्मों में अर्थ और काम को नकारा नहीं गया, किंतु अर्थ और काम के साथ साथ धर्म और मोक्ष का संतुलन होता है, हेल्दी सोसाइटी का निर्माण होता है। भगवत गीता का एक श्लोक है, यत्र योगे सुरा कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति दुर्वा नीति मतिर मम। महाराष्ट्र का महान संत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने टीका लिखी और उन्होंने इस श्लोक का लीक से हटकर के एक अर्थ किया। उन्होंने योगी राज कृष्ण को अध्यात्म का प्रतीक माना, अर्जुन को भौतिकता का प्रतीक मानते हुए कहा कि जहां पर अध्यात्म और भौतिकता के बीच में संतुलन है वहां पर विजय है, वहां पर भूति है, वहां पर श्री है, वहां पर लक्ष्मी है। बंधु और बहनों, समाज में अच्छाई और बुराई हर युग में रही है। आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के युग को, योगीराज कृष्ण के युग को, भगवान महावीर के, बुद्ध के, नानक के युग को याद कीजिए। वो सभी महान पुरुष थे, वो महान सूर्य थे। आज सूर्य की अनुपस्थिति के अंदर हम सबको, हम भले ही सूर्य नहीं है किंतु एक दिया बन करके समाज में जो विकृतियों की दिए और तूफान की जो लड़ाई है उसमें दिया टिमटिमाता रहे, हम प्रयास करें निरंतर, और अच्छाई का पलड़ा भारी रहे, बुराई का पलड़ा भारी ना हो पाए, उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना है। किंतु आज कठिनाई क्या है, हस्ती पर हैसियत आ गई होगी, मैं क्या हूं इसका मूल्य नहीं है, मेरे पास क्या है इसके आधार पर मूल्यांकन होता है, तब समाज के अंदर हर व्यक्ति हेन केन प्रकारेण उस अर्थ और काम की दौड़ में लगता है। और यही कारण है आज पर्यावरण प्रदूषण को जो नुकसान पहुंच रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे, ओजोन की छतरी का छेद बड़ा हो रहा है, क्यों हो रहा है, खनिज पदार्थों का अंधाधुंध दोहन होता है, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई होती है, उसका रूट कॉज है हमारे भीतर का लालच का, लोभ का भाव। समाज में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का कैसे मूल्य बढ़े, कैसे आगे बढ़े, इस दिशा के अंदर प्रयास करने की जरूरत है। कोल्हापुर एक बहुत ही सांस्कृतिक नगरी है। अभी हमारा कार्यक्रम हो रहा था, लोग कहते हैं युवा पीढ़ी आजकल धर्म से दूर है। मैं आपको बताऊं, उस ऑडिटोरियम के अंदर 90% युवा सारे उपस्थित थे। मैं तो धर्म गुरुओं से भी कहा करता हूं कि युवा पीढ़ी धर्म से दूर नहीं है, सवाल है कि हम युवा पीढ़ी को परोस क्या है। अगर हम युवा पीढ़ी को प्रयोग आधारित धर्म में शिविर लगाया करता हूं, जैसे एंगर मैनेजमेंट का, गुस्से पे कैसे नियंत्रण पाए प्रयोग करवाते हैं, नशे के नियंत्रण के लिए कान के आसपास एक प्रयोग कराते हैं, एकाग्रता के विकास के लिए डीप ब्रीदिंग के साथ कलर मेडिटेशन का प्रयोग कराते हैं। मैं आपको बताऊं, प्रयोग आधारित कार्यक्रमों में आज भी 80% से अधिक युवा भाग लेते हैं। युवा पीढ़ी को यह अवश्य है, एक जमाना था संत महात्मा जो भी कह देते थे उसे बिना किसी तर्क के स्वीकार कर लिया जाता है। आज प्रश्न है व्हाट, व्हाई, व्हेन, मैं पेट्रोल और डीजल खर्च करके जाऊं, समय खर्च करके जाऊं, मुझे रिटर्न क्या मिला।
आज अपेक्षा है हम धर्म के उस तेजस्वी स्वरूप को उजागर करें जो हमारी आदतों को बदले, जो हमारे स्वभाव को बदले, जो हमारी चेतना को परिष्कृत करे। अगर ऐसा धर्म प्रस्तुत किया जाता है तो आज भी युवा पीढ़ी धर्म के अधिक निकट है, ये मेरा मानना है। और बल्कि मेरा ये भी मानना है कि समाज में जो भी बदलाव इस समय आ रहा है, आने वाले समय में आएगा, वो इसी युवा पीढ़ी के बल पर आएगा, क्योंकि युवा पीढ़ी सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग ये अवश्य है कि उनको सेवा के काम, सृजनात्मक काम, निर्माण के काम चाहिए। इसलिए मैंने जब अहिंसा विश्व भारती संस्थान की स्थापना की, जिसका हेडक्वार्टर मुख्यालय राजधानी दिल्ली में है, इस संस्था ने अहिंसा विश्व भारती ने एक ही काम किया कि धर्म को समाज सेवा से कैसे जोड़ा जाए, धर्म को सामाजिक कुरीतियों के निवारण का माध्यम कैसे बनाया जाए। जैसे कन्या भ्रूण हत्या की समस्या है, आप जानते हैं इस केवल कन्या भ्रूण हत्या के कारण से ही समाज में जो असंतुलन बढ़ रहा है, इम्बैलेंस जो हो रहा है, ये बच्चे जब 25-30 वर्ष के होंगे, अगर इस असंतुलन को नहीं रोका गया तो जीवन में समाज के अंदर नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का पतन बढ़ेगा, मानसिक विकृतियां बढ़ेगी, अल्टीमेटली हिंसा बढ़ेगी। इसलिए अपेक्षा है ये सामाजिक कुरीतियों को निवारण को माध्यम बने धर्मगुरु और धर्म संस्थान। अहिंसा विश्व भारती नशे के खिलाफ अभियान चलाती है। नशा केवल हमारे शरीर को ही नहीं, हमारी आत्मा का भी पतन करता है। और मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख होता है कि हमारी सरकारें जो राजस्व प्राप्ति के लिए नशे और लॉटरी के व्यवसाय को अगर प्रोत्साहन देती है, मांस के निर्यात को प्रोत्साहन देती है, वह सर्वनाशक बात है। भारत देश ऋषि और मुनियों का देश है, भारत देश कृषि प्रधान देश है। और मैं आपसे ये भी स्पष्ट कर दूं, हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है, न किसी से विरोध है, न किसी से पक्ष में है। मुझे पता था कि इस मंच का दृश्य देख करके आपसे ये प्रश्न आ सकता है कि राजनीतिक दल के लोग आपके क्यों साथ हैं, क्या आप इन दोनों के बीच में कोई युति कराने जा रहे हैं, ये योगानुयोग कार्यक्रम में सुनने के लिए आए थे, यहाँ पर उपस्थित है। कोई राजनीतिक दल से ना हमारा अतिरिक्त जुड़ाव है, ना अतिरिक्त विरोध है, हम एक ही कहते हैं, राजनीति को भी जो सेवा का जरिया हुआ करती थी, आज वो व्यवसाय बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है, उसको ऐसे युवा रोक सकते हैं। हम सबको आगे आना है और उसके लिए एक हमें वातावरण निर्मित करना है। बंधु और बहनों, लोग कहते हैं हमारा देश धर्म निरपेक्ष है, मैं आपसे स्पष्ट करना चाहूंगा, अरे भला धर्म तो जिस देश की आत्मा है उससे निरपेक्ष कैसे हो सकता है। अगर निरपेक्ष यह तो हमें कहना चाहिए ये पंथ निरपेक्ष देश है, ये मजहब निरपेक्ष देश है, ये संप्रदाय निरपेक्ष देश है, किंतु धर्म तो इस देश की आत्मा है। इसलिए गलत शब्द का हम प्रयोग ना करें, बल्कि हाँ ये अवश्य होना चाहिए कि धर्म के क्षेत्र में राजनीति नहीं होनी चाहिए, किंतु राजनीति धर्म से अनुप्राणित होनी चाहिए, उससे प्रभावित होनी चाहिए। और धर्म का मार्गदर्शन तो प्राचीन समय में भी राजा महाराजाओं से, जो महाराजा जो है वो सन्यासियों के पास जाकर के सामने बैठ करके उनसे मार्गदर्शन दिया करते। हम सब मिलकर के जनप्रतिनिधि भी हमारे देश के निर्माण का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, हमने उनको चुना है। व्यवस्थाएं हम कितने भी बदल दें, किंतु व्यवस्था को संचालित करने वाले हाथ जब तक पवित्र नहीं होंगे। इसलिए हमें व्यक्ति निर्माण पे ध्यान देना है, व्यक्ति सुधार पे ध्यान देना है, और व्यक्ति निर्माण से ही सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। अगर हमें राष्ट्र और समाज का निर्माण करना है, व्यक्ति निर्माण के कार्यों पर ध्यान को केंद्रित करना होगा। और इसीलिए हम यहाँ पर भाई मिलिंद जी के निमंत्रण पर आए, भाई साजन व्यक्ति निर्माण की दिशा में अलग जगाए हुए था। आज एनजीओ का जो लॉन्चिंग हुई है, कंपेशन, एनजीओ कंपेशन 24, मैंने वहां पर परिभाषा की, नॉन स्टॉप गोल अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रख करके सबको कार्य करना है। बंधु और बहनों, ये हमारा महान देश, हम उसके नागरिक हैं, इस देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, इस समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, उस समाज की सेवा
लिविंग विद पर्पस, केवल हम अपने जीवन को तेल लून और लकड़ी के चक्कर में जाया नहीं करें। ये मनुष्य जीवन जिसको सर्वश्रेष्ठ कहा गया, जिसको देव दुर्लभ कहा गया, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसको हम लिविंग विद पर्पस, उद्देश्यपूर्ण जीवन, सार्थक जीवन, जीवन जीते हुए अगर समाज और देश के प्रति कुछ कर सके तो उसका जो महान ऋण है हमारे पास, उससे हम कुछ ऋण हो सकते हैं। मैं अधिक समय इसलिए भी नहीं लूंगा, आपका समय कीमती, हालांकि मैं तो भाई मिलन से कहा था, पत्रकार एक वो पत्रकारिता वह दुनिया है, दिल्ली का जो मुझे परिचय है, मैंने कहा सुबह 9 बजे भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है क्या? बोले नहीं महाराज जी, हमारे कोल्हापुर के अंदर तो सभी जागरूक हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ से मुझे प्रस्थान करना है, अभी मेरी फ्लाइट है बेलगाम से बॉम्बे की, क्योंकि उसका समय आप और हम कोई बदल नहीं सकते, मैं अधिक समय आपका भी नहीं लूँगा। हाँ, आप में से अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, आप बिल्कुल जो है निर्भीक होकर के अपना प्रश्न प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा यथासंभव आपके प्रश्न को समझ करने की। मैं अपनी बात को संपन्न कर रहा हूँ। ओम।